मास्टर जी तो बहुत सख्त हैं। छोटी से छोटी गलती की भी कोई ना कोई सजा है उनके पास। और हर चीज के लिए नियम। पर मेरी माँ कहती है कि ये सारे नियम हमारी भलाई के लिए ही बनाए जाते हैं। बताओ, मुर्गा बनने से किसका भला होता है? हाँ, खासकर जब हाथी को मुर्गा बनाया जाए तो उसे भलाई नहीं नाइंसाफी कहते हैं। ऐसी नाइंसाफी नहीं चलेगी। पहले मैं बैटिंग करूंगा। मैंने कहा ना, पहले बैटिंग मैं करूंगा। मैं करूंगा। बोलो मत, मैं बड़ा हूँ, मैं निर्णय लूंगा। पेट तो इतना भरा हुआ है कि मैं तो हिल भी नहीं सकता। मैं तो सांस भी नहीं ले सकता। मैं तो यही सो रहा हूँ। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। रात हो गई है, आज तुम सब यही सो जाओ। शुक्रिया मौसी। हमेशा मैं इसी जगह पर छुपता हूँ और भीम मुझे ही सबसे पहले ढूंढ लेता है। 9, 10। हाँ? मैं आ रहा हूँ। जल्दी से छुपना पड़ेगा, अब भीम आ रहा है। हो ना हो, राजू यही कहीं छुपा होगा। पत्थर के पीछे से निकल आओ राजू। फिर से नहीं, पर भीम ने अभी तक मुझे देखा नहीं है। किसे ढूंढ रहे हो राजू? चुटकी को नहीं ढूंढ पाओगे। अच्छा, ऐसी बात है। चलो चुटकी, अब तुम भी पकड़ी गई। बाहर आ जाओ। जग्गू, तुम भी पेड़ से नीचे उतर आओ। बिल्कुल भी मजा नहीं आता। भीम तो हमारी हर छुपने की जगह जानता है। हाँ, ये खेल तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। तूने मुझे मारा, अभी बताता हूँ। तू क्या मुझे बताएगा, मैं बताता हूँ तुझे। शांत हो जाओ ढोलू, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? यही तो रोना है, मैं ढोलू नहीं भोलू हूँ। बस बहुत हुआ, आज से मेरा नाम ढोलू नहीं शमशेर सिंह है। और मेरा नाम है रिंकू भाई। क्या गया है वो? देखो गाली आ रहा है, उसी से पूछते
रिंकू नहीं, रिंकू भाई। आपके भाई शमशेर सिंह ने तो भरे बाजार में आपका मजाक उड़ाया। क्या कहा? मैं अभी उसे सबक सिखाता हूँ। अरे भाया जल्दी करो, ये पीले पत्थर दाल में मिला दो और ये सफेद वाले चावल में। कौन है भाया? अकेले गए तो ये मुझे भी पकड़ लेगा। ढोलू, भोलू मुसीबत में है। क्या? ढोलू के होते हुए भोलू को कोई छू भी नहीं सकता। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। किसकी रखवाली कर रहे हो? मैं तो यहाँ हूँ। उस्ताद, मुझे मालूम था आप मुझे बचाने आओगे। अरे इन बच्चों ने इतने तो मन्ने नाक में दम कर दियो है, तीनों को अंदर बंद कर दो। रुको, छोड़ दो उन सबको। अब याद रहेगा ना, ढोलू भोलू से कभी पंगा